वालेकुम दोस्तों, आज हम वेरिएबल को नाम देने के कानून बताएंगे। वेरिएबल को हम किस तरह नाम देते हैं, वेरिएबल नाम किस तरह का होना चाहिए, और गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि वेरिएबल को हम किस तरह नाम दे दें, और मतलब कि वो अच्छी तरह का वेरिएबल नाम किस होना चाहिए। वेरिएबल को नाम देने के कानून क्या है। नंबर 1, वेरिएबल नाम वो चीज़ है। वेरिएबल नाम वो ये एक सिंबल होता है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं या वेरिएबल नाम कहते हैं। ये वेरिएबल का एक सिंबल होता है जिसे हम वेरिएबल पहचानते हैं। यहाँ पर बहुत से रूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो रूल्स ये हैं। नंबर 1, एक वैलिड आइडेंटिफायर सीक्वेंस ऑफ वन और मोर लेटर, मतलब वैलिड आइडेंटिफायर मतलब वैलिड नेम ये होगा कि आप वेरिएबल में सिर्फ लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंगल अंडरस्कोर करेक्टर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेटर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, सिंगल अंडरस्कोर करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं एक नाम में, सिर्फ डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिजिट से आपका वेरिएबल नाम शुरू ही नहीं हो सकता। स्पेसेस भी इस्तेमाल नहीं होंगे, और कोई औकाफ भी इस्तेमाल नहीं होगा, कोई सिंबल भी वेरिएबल नाम में इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ लेटर, डिजिट और सिंगल अंडरस्कोर करेक्टर, वो जो है वो वैलिड है। वेरिएबल नेम हमेशा लेटर से ही शुरू होगा, या अंडरस्कोर करेक्टर से भी आप वेरिएबल नाम को शुरू कर सकते हैं। हर जिस वेरिएबल नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। C++ का जो रिजर्व वर्ड है, इसमें से कोई भी वर्ड वेरिएबल नाम नहीं हो सकता, और हर मान नाम का जो है वो उसका माना होना चाहिए, वो मतलबी नाम होना चाहिए, वो इस वेरिएबल से रिलेटेड नाम होना चाहिए, ताकि हमें आसानी से पता चले कि वेरिएबल हमने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, इस वैल्यू की निशानदेही के लिए हमने ये वेरिएबल इस्तेमाल किया है, या इस ये मतलब कि आपने कोई पता नहीं या आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए कि आपको मतलब वाजिब हो, इससे इस नाम से ही पता चले कि वेरिएबल इसलिए है। नाम जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। C++ बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने कोई नाम कैपिटल करेक्टर में लिखा, वेरिएबल का नाम कैपिटल करेक्टर में लिखा, और जब आप इसे ढूंढते हैं या कहीं और जगह इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इस्तेमाल में लिख कर के मैं वही नाम यहाँ से कॉल करता हूँ, तो आप मुकम्मल तौर पर गलत है। आपको दूसरा वेरिएबल नाम दिखना पड़ेगा अगर आप इस्तेमाल में लिखते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल नेम कैपिटल में लिखा है, तो आपको दोबारा वही कैपिटल से ही कॉल करनी होगी, वो इस्तेमाल से कॉल नहीं होगी। एक भी करेक्टर भी आपने इस्तेमाल में लिखा, तो आपका नाम गलत है। कंपाइलर अननोन वेरिएबल का एरर देगा, अननोन आइडेंटिफायर का एरर देगा। आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम एक ही चीज है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई मसला है तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें।